Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Anjali and आप देख रहे हैं Anjali is well. So I hope you doing well. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरी हर न्यू वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिलता रहेगा जो कि मैं वीकेंड रूटीन अप्लाई करती हूँ खुद के साथ तो वो आज मैं मम्मी का करने वाली हूँ तो वीडियो एंड तक देखिएगा वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और सारी होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी जो कि आराम से आम तौर पर घर पे अवेलेबल होती है चीज़ें उन्हीं से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी तो आज मम्मी को चमकाते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी मम्मी का पेडिक्योर पेडिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी बाल्टी में ले लिया है बॉयल वाटर और ये एक पाउच मैंने डव का लिया है जो कि मैं पानी में मिला दूँगी ताकि झाग बन जाए और अच्छे से जो पैरों की मैल है वो निकल जाए इस तरह मैंने पानी में घुला दिया है और थोड़ी देर बाद झाग बन जाएगा और पानी एकदम चिकना हो जाएगा अब मैंने यहाँ पर मम्मी के जो पैर है वो डुबा दिए हैं थोड़ी देर पानी में डूबे रहेंगे पैर जिससे कि जो कि मैल है वो आराम से इजीली निकल जाएगी सॉफ्ट होने के बाद आराम से निकल जाती है अब यहाँ पे 5 मिनट्स का ब्रेक दूंगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए आफ्टर 5 मिनट्स अब मैंने बड़ी बकेट ले ली है जिसमें मैंने और थोड़ा सा वार्म वाटर डाल दिया है ताकि जो है मैल और अच्छे से निकले और झाग बन जाए तो इस तरह यहाँ पर झाग बन गया है और एक बार झाग बन जाता है तो बहुत स्मूथली जो है आपके पैरों की एड़ी की मैल जो है ईजिली निकल जाती है तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ मैल साफ करने वाला ये मिट्टी का आता है बहुत ईजिली सबके घर में अवेलेबल होता है तो इस तरह पैर रगड़ रगड़ के मैं सारी मैल निकाल लूँगी और एड़ी का हिस्सा ऑलमोस्ट डन हो चुका था अच्छे से क्लीन हो गया था काफ़ी सॉफ्ट हो गया था पहले से और अब मैं कर रही थी नेल्स क्लीन जो कि साइड्स में काफ़ी मैल होती है जिसके वजह से ब्लैक टैनिंग सी हो जाती है तो मैं इस तरह रगड़ रही थी साफ़ कर रही थी नॉर्मल ब्रश थे जो कि घर में अवेलेबल होता है सबके एंड सी द रिजल्ट्स पहले से मम्मी का पैर जो है बहुत ज़्यादा क्लीन एंड सॉफ्ट हो चुका था तो स्किन को अच्छे से टॉवल से ड्राई करने के बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र ताकि जो मम्मी की एड़ियाँ हैं दोबारा से ड्राई ना हो और स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज रहे और सॉफ्ट रहे और मैंने इस बार कह दिया था कि मॉम मैं जैसे पैर रख रही हूँ आपके अभी क्लीन कर रही हूँ वैसे ही रखना क्योंकि मॉम बिल्कुल ध्यान नहीं देती अपने पैरों पे और बार बार फट जाते हैं वो इसी वजह से क्योंकि जो है स्किन को आप मॉइस्चराइज अच्छे से नहीं रखते और ड्राइनेस की वजह से वो वैसे ही फटती चली जाती है तो वीक में 1 टाइम तो आपको पेडिक्योर करना मैनिक्योर करना बनता ही है और ये बहुत इजी वे है घर पर आप आराम से कर सकते हैं और मदर अगर आपकी केयरलेस है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मेरी तरह ही आप भी इस तरह से सिंपली कर सकते हैं घर में बैठे मैनिक्योर पेडिक्योर पेडिक्योर मम्मी ने बहुत मुश्किल से करवाया बाकी चीज़ें नहीं करवाई बल्कि मैं चाहती थी कि मैं अपना जैसे पूरा रूटीन करती हूँ वीकेंड का तो मैं मॉम के साथ भी वो ट्राई करूँ और करूँ काफ़ी टाइम होने के बाद मैंने अब ट्राई किया है मॉम के साथ वरना मॉम करवाते नहीं हैं तो इस तरह मैंने दोनों पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया था और हल्की हल्की इस तरह मसाज भी कर रही थी तो कि मम्मी को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था तो ओवरऑल सब कुछ करने के बाद मेन इम्पॉर्टेंट है नेल पेंट जो कि हमारे पैरों पे लगाने के बाद बहुत सुंदर लगती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि अगर आपके पैर में नेल पेंट नहीं लगी तो पैर बहुत ही अजीब से लगते हैं और मैं तो बिल्कुल भी बिना नेल पेंट के पैर नहीं रखती लेकिन मम्मी मेरी केयर नहीं करती है इसलिए मैं नेल पेंट भी अब लगा रही हूँ मम्मी को और रेड कलर मम्मी का फेवरेट है तो मैं रेड नेल पेंट ही लगा रही हूँ
और देखो दूसरा पैड देखो, ये वाला पैल देखो जिसमें नेल पेंट लगी है, कितना डिफरेंस आ जाता है और कितना सुंदर लगता है जब आपके पैड क्लीन क्लीन हो और उस पर नेल पेंट लगी हो सुंदर सी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी के भी पैर बहुत सुंदर लग रहे थे और मम्मी को खुशी हो रही थी कि मेरे पैर इतने टाइम बाद इतने सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्क्रब, जिसके लिए मैंने ली है थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ा सा हनी, और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल हो तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये रेडी हो जाएगा। अब मैं मम्मी के पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड करते हुए स्क्रब कर रही हूँ, स्पेशली नोज़ में, क्योंकि नोज़ में हमारे जो है ब्लैक हेड्स होते हैं जो कि ईजिली रिमूव नहीं होते, तो वहाँ पे ज़्यादा हमें रब करना होता है। बाकी पूरे फेस पे लाइट लाइट हाथों से हमें स्क्रबिंग करनी होती है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो रैश हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना होता। यहाँ मॉम का फेस एकदम क्लीन हो चुका है, स्मूथ हो चुका है और साथ ही साथ मम्मी की फीट भी बहुत सुंदर हो गए थे, काफ़ी डैमेज थे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जब, और पेडिक्योर करने के बाद एड़ियाँ देखिए बिल्कुल भी कटी फटी नहीं लग रही, एकदम स्मूथ लग रही है। तो बस यही था आज का व्लॉग मेरा कि कैसे आप घर में बैठे पेडिक्योर मैनीक्योर कर सकते हैं, और मैनीक्योर मैंने नहीं दिखाया बट आप ऐसे ही सेम मैनीक्योर भी कर सकते हैं और स्क्रब भी कर सकते हैं। मेरी बेटी का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समझ रहे हो ना, और ये अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू मम्मी, बहुत भावुक हो चुकी है।